डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली, वी डोंट प्रोवाइड एनी टिप्स। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कितने लोग ने CPR ट्रिक को प्रैक्टिस किया हुआ है? आज कहीं अगर मार्केट देखेंगे तो R1 प्रीवियस डे हाई, उसके नीचे अगर बेरिश कैंडल बना तो टारगेट हमारा क्या रहता है? CPR लेवल। फर्स्ट कैंडल या सेकंड, जो भी थर्ड कैंडल है, उसने R1 प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किया, CPR पे आया, आधे घंटे के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इसमें दो फेज है। पहला फेज है 9:15 बजे से 10:30 बजे के बीच वाला। इस समय में आपको एकदम डिसिप्लिन्ड होना है। जैसे मैं बोला हूँ ना कि VWAP के नीचे अगर रेड कैंडल बनता है, पहला कैंडल बना VWAP के नीचे रेड कैंडल, 20 EMA का लाइन नीचे है, टारगेट आपका CPR लेवल। इसीलिए किसी बंदे ने, उन्होंने क्या किया, 20 EMA पे कॉल बाई किया और प्रॉफिट हो गया गलती से 17,000 रुपये, है ना, वो गलत हो गया उनके साथ, होना नहीं चाहिए। गलत करोगे और प्रॉफिट बन गया ना, तो दूसरे दिन वो 17 के जगह 34 लेने वाला है। तो गलत ट्रेड लेके पैसे नहीं बनाना है हमको, गलती से बन गया वो घातक है। फिर आदमी के साइकोलॉजी आता है ना, गलत भी किया तब भी बन रहा है, तो फिर सही करने का क्या जरूरत है? वो बोलने के पीछे रीजन है कि हम गलती करके पैसा नहीं बनाएंगे, सही करेंगे लॉस होगा चलेगा, लेकिन सही करके करेंगे जो भी करेंगे, तभी जाके तो हमारा सक्सेस स्टोरी स्टार्ट होगा ना, अदरवाइज हम वही फंसते रहेंगे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। एक दिन प्रॉफिट बनाया, दूसरे दिन लॉस किया, फिर प्रॉफिट बनाया, फिर लॉस किया, अल्टीमेटली उत्तेजना में आके किसी दिन बड़ा लॉस कर दिया, यही होता है नॉर्मली। तो दो है, पहला है 9:15 बजे से 10:30 बजे तक। इसमें हमारा जो सेटअप है VWAP का कॉम्बिनेशन और 20 EMA का कॉम्बिनेशन, आंख बंद करके फॉलो करना है और क्विक एक्शन लेना है। एक कैंडल अगर रेड बन गया, VWAP के नीचे ब्रेक कर दिया, 20 EMA नीचे है, इमीडिएटली घुस जाना है। कुछ सोचना नहीं है कि नीचे कौन सा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है टूट जाएगा। फर्स्ट वाला जो ट्रेड है उसमें कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा पहले ही टूट जाएगा। अगर फर्स्ट कैंडल को 4:50 के पास आपको एंट्री मार देना है, अगर फर्स्ट कैंडल ही एंट्री दे रहा है, तो उसमें घबराना नहीं है कि दूसरा कैंडल ऊपर चला गया या तीसरा कैंडल नीचे हो गया, लॉस होगा होगा चलेगा। मैं वही बोल रहा हूँ, कॉल का जो प्राइस है या पुट का प्राइस है, 50 से 100 रुपये वाला लोगे तो लॉस ही कितना होगा। 500 क्वांटिटी लेते हो 50 रुपये वाला कॉल या पुट, तो 25,000 रुपये का तो इन्वेस्टमेंट है, तो सबसे बुरा होगा तो लॉस ही होगा। ऑन एन एवरेज 10 से 15,000 ही लॉस होगा, लेकिन वो 50 रुपये का चीज़ 200 हो जाता है, 1,00,000 रुपये का हो गया खेल, 75,000 प्रॉफिट। स्ट्रेटेजी कॉमन है, या तो जाएगा वर्स्ट केस सिनेरियो। तो पहला कंडीशन है, दो टाइमिंग होता है मार्केट का। पहला टाइमिंग होता है कि 9:15 बजे से 10:30 बजे तक, जो आज मैं सेटअप दिया हूँ या पिछला क्लास में हमने डिस्कस किया था कि VWAP और 20 EMA के कॉम्बिनेशन में जो पहला एंट्री दे दिया, जैसे आज कही था मार्केट कि फर्स्ट कैंडल रेड बना और VWAP के नीचे क्लोजिंग दे दिया, 20 EMA का लाइन नीचे है, जब तक 20 EMA का लाइन नीचे है मुझे डरने घबराने का जरूरत नहीं है, फर्स्ट कैंडल पे मेरा एंट्री होता है, मेरा टारगेट रहेगा नेक्स्ट CPR लेवल, वो है CPR लेवल, क्योंकि R1 प्रीवियस डे हाई से ब्रेक किया था तो वो CPR जाएगा। ये आपका कंफर्म ट्रेड रहेगा हर दिन का, ये आपको कंफर्म ट्रेड मिलेगा, पहला ट्रेड में गलती नहीं होगा। तो VWAP के कॉम्बिनेशन के साथ 20 EMA का कॉम्बिनेशन यूज किए हो और फर्स्ट कैंडल ही अगर एंट्री दे रहा है, फर्स्ट कैंडल में अग्रेसिव एंट्री करो, वेट नहीं करना सेकंड कैंडल क्या बन रहा है, या सेकंड कैंडल एंट्री दे रहा है, सेकंड कैंडल में जो कैंडल एंट्री दे रहा है उसी कैंडल में एंट्री करना है, है ना। तो पहला नियम है, पहला कैंडल अगर एंट्री दे रहा है पहले कैंडल में अग्रेसिव एंट्री करो, दूसरा कैंडल एंट्री दे रहा है दूसरे कैंडल में एंट्री करो, जो कैंडल दे रहा है एंट्री करो, वो पहला वाला लेवल तो मिल जाएगा। 50,000 रुपये लगाए हो, पहला ही टारगेट आपका अच्छा खासा दे देगा। तो पहले वाले में आपको ज्यादा कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। VWAP और 20 EMA का कॉम्बिनेशन बोला हूं, तो ये VWAP का लाइन है, अगर रेड कैंडल क्रॉस कर दिया, स्ट्रांग कैंडल, डोजी ओजी टाइप का कैंडल नहीं, कमजोर कैंडल नहीं, बॉडी होना चाहिए, तो स्ट्रांग कैंडल VWAP को क्रॉस कर दिया नीचे की ओर ऊपर से, और मान लो 20 EMA का लाइन नीचे है, नेक्स्ट CPR लेवल डेफिनेटली जाने वाला है। अगर 20 EMA का लाइन ऊपर है मैं अवॉइड करूंगा, या स्कैल्पिंग मोड में जाऊंगा। अगर ग्रीन कैंडल स्ट्रांग बेरिश कैंडल बन गया, अगर मुझे लग रहा है नीचे जाने वाला है, तो भी मैं नेक्स्ट कैंडल पे निकल जाऊंगा, उसको रखूंगा नहीं, होल्ड नहीं करूंगा,
होल्ड तभी करूंगा जब वीवेप का लाइन है उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना, और स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनने के बाद 20 ईएमए का लाइन नीचे है, मेरा नेक्स्ट सीपीआर लेवल टारगेट रहेगा, वो कंफर्म टारगेट मिलेगा। और वो अगर आप 9:15 बजे से लेकर 10 बजे तक ट्रेड करते हो तो पहला ही ट्रेड आपको उतना प्रॉफिट दे देगा कि आप टर्मिनल बंद कर सकते हो। तो जितने लोग मतलब अप डाउन कर रहे हैं उनको पहला ही टारगेट मिल जाएगा, वो टर्मिनल बंद करेंगे कुछ दिन, प्रॉफिट तो बने, है ना। जब धीरे 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 फंड एक्यूमुलेट हो जाएगा तो टेंशन खत्म हो जाएगा। तो जितने लोग भी 9:15 बजे से लेके 10:30 बजे तक ट्रेड करेंगे ध्यान ये रखेंगे, अगर वीवेप है वीवेप के ऊपर ग्रीन कैंडल बनता है स्ट्रांग, और मान लो 20 ईएमए का लाइन ऊपर है तो वो कॉल को होल्ड करेंगे, कॉल बाय करेंगे, होल्ड करेंगे और बड़े टारगेट लेंगे। तो जो भी कंफर्टेबल प्रॉफिट है उतना रुकना है, है ना, वो आपके कैपिटल के ऊपर है। तो 25,000 रुपये लगाए हो अगर 5,000-7,000 रुपये बनता है आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो आपको ये नहीं बोल रहा हूँ प्रॉफिट बुक करना है, अगर आप चाहते हो होल्ड करना है तो होल्ड कर सकते हो, वो 25,000 रुपये आपका 1,00,000 भी हो जाएगा। कंडीशन पहला, अगर ये वीवेप का लाइन है वीवेप के लाइन के ऊपर स्ट्रांग ग्रीन कैंडल बनता है और मान लो 20 ईएमए का लाइन वीवेप के लाइन के ऊपर है, आपको कॉल बाई करना है और आप बड़े टारगेट लोगे, और वो 9:15 बजे से लेके आपका 15-20 मिनट के अंदर आपको बड़े टारगेट दे देगा। दूसरा कंडीशन है वीवेप का लाइन है, वीवेप के लाइन के नीचे स्ट्रांग बेरिश कैंडल बनता है और 20 ईएमए का लाइन वीवेप के नीचे है, आप पुट साइड में पोजीशन बनाएंगे, वेट नहीं करेंगे, वीवेप के लाइन पे ही जो कैंडल बन रहा है उसके आखिरी के 10 सेकंड में आप एंट्री हो जाना चाहिए, वो आपको 2-3 कैंडल या 5 कैंडल के अंदर आपको बड़े टारगेट दे देगा, बड़ा मूवमेंट आ जाता है उतने में, 25,000 लगाए हो सकता है 10,000 प्रॉफिट दे देगा, ठीक है। तो उसमें डरने घबराने का नहीं है, तब तक अगर मान लो सेकंड कैंडल रिवर्स हो जाता है ग्रीन बनता है डरना नहीं है, होल्ड रखना है क्योंकि 20 ईएमए का लाइन नीचे है, ठीक है। तो पहला कंडीशन वीवेप, वीवेप के ऊपर अगर स्ट्रांग ग्रीन कैंडल बनता है और स्ट्रांग ग्रीन कैंडल बनता है और 20 ईएमए का लाइन मान लो ऊपर है, आप कॉल बाई करोगे, होल्ड करोगे लंबे टारगेट के लिए। दूसरा वीवेप का लाइन है, वीवेप के लाइन के नीचे अगर पहला कैंडल या कोई भी कैंडल स्ट्रांग बेरिश कैंडल काटता है नीचे और 20 ईएमए का लाइन नीचे है, आप नीचे की ओर टारगेट करेंगे और बड़ा टारगेट लेंगे। अब तीसरा कंडीशन वीवेप का लाइन है, वीवेप की लाइन के ऊपर में स्ट्रांग ग्रीन कैंडल बनता है लेकिन 20 ईएमए का लाइन नीचे है, तो आप स्कैल्पिंग करोगे या फिर ट्रेड अवॉइड करोगे। चौथा कंडीशन वीवेप का लाइन है, बेरिश कैंडल बनता है स्ट्रांग बट 20 ईएमए का लाइन ऊपर है, तो आप क्या करोगे, पुट बाई करोगे लेकिन वो स्कैल्पिंग मोड में करोगे या फिर उसको अवॉइड कर सकते हो। तो ये चार चीज है, चार कंडीशन है, चार कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। चार कंडीशन क्लियर हो गया, सबसे पहले रिपीट कर देता हूं, क्लियर है सर। वीवेप का लाइन, वीवेप के लाइन के ऊपर स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनता है या ग्रीन कैंडल बनता है, आप कॉल बाई करोगे, अगर 20 ईएमए का लाइन ऊपर है तो आप बड़े टारगेट लोगे। दूसरा वीवेप का लाइन है, स्ट्रांग बेरिश कैंडल बनता है, अगर 20 ईएमए का लाइन नीचे है नेक्स्ट सीपीआर लेवल या बड़े टारगेट आप लोगे, ठीक है, दो कंडीशन। तीसरा कंडीशन विरोधाभासी है कि वीवेप के ऊपर स्ट्रांग ग्रीन कैंडल बन रहा है लेकिन 20 ईएमए का लाइन नीचे है, तो आप वहां पे स्कैल्पिंग कर सकते हो या ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो। चौथा कंडीशन वीवेप का लाइन है, वीवेप के लाइन के नीचे स्ट्रांग बेरिश कैंडल बनता है और मान लो 20 ईएमए का लाइन ऊपर है, आप स्कैल्पिंग करोगे या फिर ट्रेड अवॉइड करोगे। चार कंडीशन बता दिया, चारों को दिमाग में फिट कर लेना है, और ये 9:15 बजे से लेके जो 10:30 बजे तक ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उनको उस समय बुद्धि नहीं लगाना है, सीधा एक्शन पे आना है, मुझे सिग्नल दिया एक्शन ले लेना है, 25,000 लगाया हूँ, मेरी क्षमता है कि मैं 25,000 रुपये का लॉस बियर कर सकता हूँ, जब एक्सपायरी का डे होता है तभी वो एक्सपायरी के समय में जीरो होता है, अदरवाइज आपका जीरो नहीं होता, इसीलिए आउट ऑफ द मनी जाने बोला हूँ 50 रुपये से 100 रुपये के बीच वाला, है ना, ताकि आपके विपरीत में भी जाता है तो 25,000 ही तो लगाया हो जाएगा, कितना 5,000-10,000 लॉस जाएगा, लेकिन वो आपके फेवर में आएगा तो वो 50,000 तो प्रॉफिट दे के जाएगा, कहीं कुछ झिझकने का नहीं है, कुछ नहीं है, झिझकोगे तकलीफ में आओगे क्योंकि 2-3 कैंडल के बाद लोगे फिर आपका लॉस बड़ा हो जाएगा अगर विपरीत हुआ तो, लेकिन वहीं पे एंट्री है तो आपका लॉस आपको भी पता है 20 ईएमए रिवर्स कर गया मेरे को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जब मान लो वीवेप का लाइन है और 20 ईएमए नीचे है, मान लो वो स्ट्रांग बेरिश कैंडल बना, हमने एंट्री किया, बड़े टारगेट तो दे गई, मान लो गलती से कभी रिवर्स हो जाता है किसी दिन,
तो क्या होगा कि वो 20 ईएमए का लाइन जैसी क्रॉस करेगा ना, तो प्राइस ऊपर तो गया है लेकिन वो रीटेस्ट करने आता है। तो जब रीटेस्ट करने आएगा तो आपको भी समझ जाना है ना, 20 ईएमए निकल गया है, रीटेस्ट कर रहा है, मेरे को यहां से भाग लेना है, लॉस बुक कर लेना है, है ना। तो आपका लॉस भी मिनिमम हो जाएगा लेकिन प्रॉफिट कंफर्म है कि आपका डबल तिबल होने वाला है। तो रिस्क आपका अगर 10,000 है, जैसे मान लो अगर आप 25,000 से ट्रेड कर रहे हो एक ऑर्डर पे, तो आपका रिस्क मान लो 10,000 है, तो आपको 20,000 प्रॉफिट दे देगा, हर दिन देगा। उसके बाद सेकेंड सिनेरियो चालू होता है 10:30 बजे से लेके दिन भर का टाइम, तो उसमें आपको धैर्य के साथ ट्रेड लेना है ना। तो उसको मैं सिखाऊंगा, धैर्य वाला जो है उस सेटअप को नेक्स्ट फेज में सिखाऊंगा, है ना। तो उसमें मैं ऑप्शन के प्राइसिंग पे सिखाऊंगा कि ऑप्शन के प्राइसिंग पे मुझे कंफर्म ट्रेड कब मिल रहा है, या ऑप्शन का प्राइस जैसे आप लोग देखते होंगे 20 रुपये का ऑप्शन सीधा 100 हो गया है 5 मिनट 10 मिनट के अंदर, तो वो कैसे पकड़ना है, वो हमारा नेक्स्ट फेज है। फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री में हमारा कोर्स चाहिए तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इस व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं, तो इससे आपको कोर्स फ्री में मिल जाएगा और आपको हमारा जो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसको आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर कंप्लीट लर्निंग यू कैन ज्वाइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।